पूरे हफ्ते ऑफिस में काम करो, एक संडे की छुट्टी मिलती है, उसमें भी औरत सुबह सुबह नाश्ते में ये बिस्किट दे रही है खाने को। कैसे यार कोई आदमी बिस्किट खाएगा नाश्ते में? क्या क्या सोचा था कि पकौड़े खाऊंगा, समोसे खाऊंगा, छोले भटूरे खाऊंगा घर में, सुबह बिस्किट खा रहा हूँ बैठ के। हे भगवान, मेरी शादी कैसे कैसी औरत से हो गई यार, मेरे फूटे करम। अरे सुनो। क्या है? मैंने साबुन लगा लिया है, जरा आकर अपने मजबूत हाथों से रगड़ तो दो। जल्दी आओ ना, कहाँ रह गए? आज तो रोमांटिक माहौल हो रहा है लगता है। अभी आया बेबी। अरे क्या? देख, मैं ये कपड़ों पे साबुन नहीं रगड़ने वाला, तूने चीटिंग करी है यार, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है। मतलब एक तो संडे के दिन सुबह सुबह तू मुझे नाश्ते में बिस्कुट खिलाती है, ऊपर से फिर कपड़े धुलवाएगी यार, मैं जा रहा हूँ। अरे 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 सुनो ना, कपड़ों पे साबुन मैंने रगड़ दिया है, तुम्हें बस इस पे ब्रश मारनी है। तुम और तुम्हारे ही तो कपड़े हैं, ऐसा करो तुम इन पे ब्रश मारो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट संडे वाला नाश्ता बना के लेकर आती हूँ, पास्ता, क्या कहते हो? वो सब तो ठीक है, पास्ता तो मैं खा लूंगा, पर ओहो इतने से कपड़े नहीं धो सकता मेरा बेबी संडे को, धो लो ना। ठीक है मैं अभी पास्ता बना के लेकर आती हूँ। चल मयंक, कपड़े धो लेंगे तो फिर पास्ता खाने को मिलेगा, है ना? तो मैं तो, अरे बाल्टी इधर, अरे सारे कपड़े धुल गए। स्वरा ले आ यार मेरा फेवरेट पास्ता। आई है, पेट भर के खाऊंगा आज तो, लाओ दो। ये क्या है, ये क्या है? अरे तुम्हारा फेवरेट पास्ता। ये पास्ता है? और ये पास्ता में ये भिंडी क्यों है? है कभी सुना है तूने भिंडी पास्ता? अरे मैंने एक्सपेरिमेंट करा है, पौष्टिक आहार हो गया ना पास्ता और भिंडी साथ में, भिंडी पास्ता। तो एक काम कर, ये भिंडी पास्ता और ये गोबर तू खुद खा, समझ गई? मैं बाहर जा रहा हूँ, हट सामने से हट। अरे सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मेरे रास्ते से हट, उधर हो। अरे ट्राई तो कर लेते। छोड़ यार। अरे भाई, अरे ये एक आध दो दिन क्या होता है? अरे आना ही है तो कम से कम एक दो महीने के लिए तो आ, अरे तेरा ही तो घर है ये। हाँ तू एक काम कर, अपना सामान बांध और सारा सामान लेकर यहाँ आ जा, आराम से एक दो महीने रहियो साथ में, अच्छा अच्छा खाना खाइयो, थोड़ा घूमियो फिरियो, तुझे भी अच्छा लगेगा। चल आ जा फटाफट, ठीक है? हाँ मिलते हैं, ओके बाय। ये क्या है, ये क्या हाल बना रखा है घर का? घर की हालत की बात छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मेरी परमिशन के बगैर किसको न्योता दिया जा रहा है घर आने का? गुल्लू को। अरे तेरा भाई गुल्लू, मेरा साला, वो फोन करके मेरे को ये कह रहा है कि जीजू मैं एक दो दिन के लिए आ रहा हूँ आपके पास, अच्छा लगता है क्या? तो मैंने उसको कह दिया कि अरे बाबू एक दो दिन के लिए क्यों आ रहा है, आना ही है तो एक दो महीने के लिए आना। गुल्लू आ रहा है और नहीं तो क्या। हाँ तो सुन मेरी बात, मजा तो ठीक है, अब तेरा भाई आ रहा है तो क्या ऐसी गंदगी में बिठाएगी उसको? नहीं। हाँ तो फिर जा सफाई फाई कर, और सुन उसने मुझे स्पेशली बोला है कि मटर पनीर की सब्जी और पूरी वो खाएगा, वो तो वो बना दियो उसके लिए, ठीक है? मटर पनीर? अरे लेकिन गुल्लू तो मटर खाता ही नहीं, उसको तो बचपन से एलर्जी है। अरे तुझे थोड़ी पता है कुछ, उसने मेरे को फोन पे बोला यार ऐसा। अरे लेकिन उसे तो एलर्जी है मटर से। एलर्जी खत्म हो गई उसकी? अरे मैं एक काम करती हूँ, मैं ना उसको फोन करके पूछती हूँ। अरे यार तू एक बार बता, मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है, है कि नहीं है बता। अब जब उसने मुझे बोल दिया, अब तू उसको फोन करके पूछेगी तो उसे तो ऐसे लगेगा ना कि यार जीजू की तो कोई इज्जत ही नहीं है, वो तो जोरू के गुलाम है, मेरी बेइज्जती करवा दे, मेरी नाक कटवा दे तू बाहर, ले पकड़। अगर तुझे ऐसा ही करना है तो कर ले फोन, जा। अच्छा कोई नहीं, चलो मैं नहीं करती, मैं मटर पनीर बना देती हूँ।
ठीक है जा जा फिर वेट क्या करिए बना। हाँ मैं जाती हूँ। अरे सुनो, घर में इतना सारा काम है, सफाई भी करनी है, डस्टिंग वस्टिंग भी करनी पड़ेगी, घर गंदा हुआ पड़ा है सारा, तो एक काम करो ना, तुम मेरा थोड़ा हाथ बटवा दो, मैं खाना बना लेती हूँ जब तक। अरे नहीं 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 यार, मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरे को तो बहुत ज़रूरी काम से आराम करने जाना है। ठीक है तो मैं जाता हूँ, तू अपना देख ले, ठीक है, कर दियो सफाई, देख ले तेरा ही भाई है, आएगा तो फिर गंदगी में बैठेगा, मेरे को क्या दिक्कत है, मैं तो बहुत ज़रूरी है मेरे को जाना। आराम सफाई कर लेते हैं। धोके कितना अच्छा लग रहा है, घर भी साफ सुथरा हो गया। अरे स्वरा, अरे ले आ यार खाना, भूख के मारे जान जा रही है। ओहो क्या हो गया, क्या भूख से मरे जा रहे हो तुम, एक बार मेरे भाई को तो आने दो, हैं? हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। भाई को? कौन से भाई को? अरे मेरा भाई। तेरा भाई? तेरा भाई भी आ रहा है क्या? क्या मतलब, तुमने ही तो बोला था कि मेरा भाई आ रहा है। अच्छा 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 वो अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया, अप्रैल फूल बनाया, तुमको गुस्सा आया? अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई नहीं आ रहा, वो मेरा भी कभी कभी मन करता है अच्छे अच्छे पकवान खाने का, है? रोज रोज तू ये बिस्किट और ये भिंडी पास्ता खिला देती है, मेरा पेट खराब हो जाता है, तो आज मैंने सोचा कि तेरा अप्रैल फूल बना देता हूँ। सॉरी बेबी, अब जा जल्दी से ना, जो पकवान बना है वो लेकर आ। परोस लो, अब परोसूंगी नहीं मैं, एक तो सारा खाना मेरे से बनवा लिया। मटर पनीर, वाह कौन आ गया अब? अरे यार एक बार देखियो, घर का सारा काम करवा लिया, खाना भी बनवा लिया, सब करवा लिया, एक आदमी कितना काम कर सकता है, जाके तुम देखो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, खिड़की भैया है, इतना काम करा है तूने, गेट तो मैं खोल ही सकता हूँ। मैं देखता हूँ कौन है। अरे यार कौन आ गया इस वक्त? जीजा जी, जीजी, एक मिनट, जीजा जी तू यहाँ कैसे आया? मैंने सुना है आप मुझे बड़ा याद कर रहे थे। और ये कहाँ से सुना तूने? जीजी ने बताया। जीजी? आपने जीजा जी को नहीं बताया? एक बात बता, ये काला चश्मा इतनी रात को लगा के क्यों आया तू? जीजा जी ये ना स्टाइल है, स्टाइल। और तुम बता नहीं सकती थी कि ये ग्यारह? तुम्हें क्या लगा अप्रैल फूल सिर्फ तुम ही बना सकते हो क्या? हाँ मेरा भाई आएगा और मैं उसे फोन करके पूछूंगी भी नहीं कि तू आ रहा है कि नहीं। हाँ अप्रैल फूल तो तुम्हारा बना है, आपकी बारी। अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। तुमको गुस्सा आया? जीजी ना गुस्सा खाने दो, मुझे तो भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है। आजा आजा चलो जी जी, मटर पनीर बना चलिए। मटर पनीर? कुत्ता साला। हे गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको बस एक लाइक वाला बटन दबा देना है और कमेंट में आपको बताना है अपना बेस्ट पार्ट और शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ जिनको आपने अप्रैल फूल बनाया है। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं छोटी छोटी कॉमेडी वीडियोस डालता रहता हूँ और नई वीडियोस बहुत जल्द आने वाली है। वो बेल आइकन वाला बटन दबा दो, क्योंकि जब भी आपको नई वीडियो आएगी हमारी तो आपको पता चल जाएगा उससे। और जिन्होंने दबा रखा है उनको लव यू है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी। ओके बाय।